स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑल क्लासेस इंग्लिश ग्रामर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी द वर्ब, क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपके ग्रामर में बहुत महत्वपूर्ण जो है सब्जेक्ट है। द वर्ब डेफिनेशन, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स सम पोस्ट काइंड ऑफ वर्ब्स। इनकम्प्लीट वर्ब मीन्स अपूर्ण क्रिया, टू बी, टू हैव, सीन, एक्सेट्रा। कंप्लीट वर्ब यानी पूर्ण क्रिया होती है, जैसे टू गो यानी जाना, टू रन दौड़ना, टू मेक बनाना, टू गिव मींस देना, ये पूर्ण हुई। नेक्स्ट है इंटरेस्टिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, टू रन, टू गो, टू रीड, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ट्रांसिटिव वर्ड्स मींस सकर्मक क्रिया, मींस टू मेक यानी बनाना, टू गिव देना, टू प्ले खेलना, ये। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, सहायक के रूप में आएगा एम, इज, आर, हैव, हैज, मैनी, डू, डज, डिड, एक्सेट्रा। अब आता है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, गोइंग, गिवन, रिटन, रोट और एक्सेट्रा। थ्री फॉर्म्स ऑफ सम वर्ब, क्रिया के तीन फॉर्म होते हैं, तो वे वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, तो पहला आएगा प्रेजेंट, पास्ट और पार्ट्स पार्टिसिपल। फर्स्ट आएगा इसमें वर्ड आएगा बीईटी, बेट मींस शर्त लगाना, तो सेकंड फॉर्म आएगा बीईटी बेट, थर्ड भी आएगा बीईटी बेट, यानी तीनों जो फॉर्म है वो एक जैसे होंगे। बीआईडी बिट यानी बोली लगाना, नेक्स्ट बिट सेकंड एंड थर्ड। ब्रॉडकास्ट यानी प्रसारण होता है, सेकंड एंड थर्ड ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट है बस्ट मींस फटना, बस्ट और बस्ट, ये तीनों फॉर्म एक जैसे हैं। बाकी के और भी एग्जांपल हैं, ये आप अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आता है वे वर्ब जिनकी दो फॉर्म एक जैसी होती है, प्रेजेंट, पास्ट और पार्ट्स पार्टिसिपल। B-E-A-T, beat, means पीटना, beat, B-E-A-T और beaten। इसमें देखिए आप लोग कि first और second form is the same thing and third form is the other thing। Next, become, होना, became and become। Bend, bent and bent, means मोड़ना। Next है B-I-N-D, bind, यानि बांधना। फिर है B-L-E-E-D, bleed, ब्लड और ब्लड। नेक्स्ट है बी आर डबल ई डी, ब्रीड, बी आर ई डी, ब्रेड और ब्रेड। ब्रिंग, ब्रिंग आएगा ब्रॉट एंड ब्रॉट। नेक्स्ट बिल्ड, बिल्ट एंड बिल्ट। नेक्स्ट बी यू आर एंड बर्न, बर्न एंड बर्न। नेक्स्ट आएगा बी यू वाई, बाय, बॉट एंड बॉट। कैच, कॉट एंड कॉट। इसमें देखते हैं आप एक सिंगल है अदर और दो जो है वो सेम होते हैं। अब आगे देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल की कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आपको रीड करना है और लर्न करना है। नेक्स्ट है एस एच ओ डब्ल्यू, शो, शोड एंड शोन। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि तीनों फॉर्म जो है अलग अलग जो है फॉर्म के, सिंग, सैंग, संग। नेक्स्ट है सिंग, सैंग एंड संग। नेक्स्ट है स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन। स्प्रिंग, स्प्रेंग एंड स्प्रंग। स्टील, स्टोल एंड स्टोलन। स्वियर, स्वोर एंड सॉन। स्विम, स्वैम एंड स्वम। तो आप तो स्पेलिंग भी चेक करते जाइए कि स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है। टेक, टुक एंड टेकन। टीयर, टोर और टोर्न। नेक्स्ट थ्रो यानी फेंकना, थ्रो, थ्री, थ्रोन। नेक्स्ट है अंडरगो, अंडरवेंट एंड अंडरगोन। वियर, वोर एंड वोन। वीव, वो एंड वोवन। विथड्रॉ, विथड्रू एंड विथड्रोन। राइट, रोट एंड रिटन। ये आपके आपने देखे कि तीन फॉर्म जो अलग अलग जो हैं। नेक्स्ट है होमवर्क है, आपको रीड द वर्ड, आपको शब्दों को पढ़ना है।
उसी की carefully spellings. Write this matter in your notebook. और read and learn verb. जो क्रिया के आपको एग्जाम्पल समझाए गए हैं फर्स्ट फॉर्म सेकेंड और थर्ड फॉर्म के बारे में आपको बहुत अच्छे से सीखना है और प्रैक्टिस ऑल्सो बहुत जरूरी प्रैक्टिस करनी है. स्पेलिंग्स का ध्यान रखेंगे और लिखेंगे एग्जाम की तैयारी के लिए याद करेंगे. थैंक यू सो मच.